हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ऐश्वर्य विश्वास। हम लोग चैप्टर फोर्थ के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन 20 तक हम लोगों ने कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन 21 स्टार्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन 21 स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 0.45 मीटर एंड मास 60 ग्राम इज सस्पेंडेड बाई टू वर्टिकल वायर्स एंड एट इट्स एंड्स अ करंट ऑफ 5.0 एम्पियर इज सेट अप इन द रॉड थ्रू द वायर्स। दो पार्ट दे रखे हैं। हम पहले सिर्फ ए पार्ट पढ़ेंगे और करेंगे, उसके बाद बी पार्ट करेंगे। तो ए पार्ट, व्हाट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप नॉर्मल टू द कंडक्टर इन ऑर्डर डेट द टेंशन इन द वायर्स विल बी जीरो। हमें दे रखा है कि एक रॉड है, वो हमने दो वायर से अटैच कर दी है, टांग दी है, ठीक है। अब हमने जब भी हम मतलब देखो कोई भी चीज टांगेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हमने ऐसे रॉड टांगी है तो नीचे उसका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ग्रेविटी लगेगी उस पर, mg फोर्स होती है, हमें पता है। तो उस पर ग्रेविटी वर्क करेगी। अब जहां से ग्रेविटी खींच रही है तो वायर खींचेंगे, तो वायर में अपोजिट जो mg के अपोजिट फोर्स लगेगी वो टेंशन होगी। खिंचाव जो होता है ना उसे टेंशन कहते हैं। यहाँ पे वायर पे जब इस पे एमजी फोर्स लगेगी नीचे की साइड, तो वायर खींचेंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे, उसे हम टेंशन कहते हैं। यानी वायर के खिंचाव जो है वो टेंशन है। अब हम चाहते हैं कि ये टेंशन जीरो हो जाए, यानी वायर में खिंचाव ना हो बिल्कुल भी। तो कब होगी? जब कोई नीचे से फोर्स ही नहीं लगेगी, जब एमजी को नीचे कोई चीज मतलब इस वायर को नीचे कोई चीज नहीं खींचेगी तो हमारी ये टेंशन होगी नहीं, यहाँ पे खिंचाव होगा नहीं वायर में। और नीचे कब कोई फोर्स नहीं लगेगी? जब एम जी जीरो हमारा। अब हम एम जी को जीरो कैसे कर सकते हैं? हमें दे रखा है कि हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया है। अब हमें इसमें एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जिसकी वजह से टेंशन जीरो हो। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टेंशन कैसे जीरो हो सकती है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें ऐसा कुछ करना है कि ये वाली फोर्स ना लगे। तो हम क्या करेंगे कि हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐसी डायरेक्शन में प्लेस करेंगे जहां से कि एक फोर्स इस एम जी के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगे और वो मैग्नीट्यूड में भी इसके बराबर हो। क्योंकि जब एम जी नीचे लगेगी ये फोर्स ऊपर लगेगी तो ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी ना। मतलब कि ना कोई नीचे फोर्स लग रही है ना कोई ऊपर, और जब फोर्स नहीं लग रही तो खिंचाव तो होगा ही नहीं, टेंशन हो जाएगी। तो हमें इन दोनों को इक्वल करना है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में अपोजिट करना है। तो हम लोग निकाल लेते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसका शू फोर्स मैग्नेटिक ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ग्रेविटेशनल ग्रेविटी की जो फोर्स होती है वो हमें पता है, फोर्स इक्वल टू एम ए, और यहाँ पे एम जी हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगाई जाएगी वो IBL हो जाएगी। यहां से हमें MgIL पता है। हम बी निकाल लेंगे, बी इक्वल टू MgIL। मास 60 ग्राम है तो 0.60 ग्राम है तो 0.6 kg, ठीक है। 0.06 kg आएगा, सॉरी 0.06 kg। और ग्रेविटी 9.8, इलेक्ट्रिक करंट 0.45, सॉरी एल है हमारी 0.45 और इलेक्ट्रिक करंट है 5 एम्पियर। अब इसी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। जब हम इसी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ जाएगी 0.26 टेस्ला। हमने निकाल ली कि जो इसके अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी, ठीक है, वो इसके बराबर होनी चाहिए। और इसे बराबर करने के लिए हमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी? इतनी। जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को, इस वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड को पास कराएंगे तब इसी के बराबर की, एम जी के बराबर की फोर्स लगेगी। अब हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब हमें ये पता लगाना है कि हमें जो फोर्स है इसके अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए एम जी के लिए। तो एम जी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में देनी पड़ेगी? तो हमें फोर्स पता है, करंट की डायरेक्शन पता है, अब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब रूल लगेगा यहाँ पे। तो
तो करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रही है ऊपर की डायरेक्शन में, तो हमारी जो ऐसे लगेगी, ठीक है, ये करंट जाएगा, फोर्स लग रही है ऊपर की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड ये होती है, सॉरी हम यहाँ पे बन नहीं पा रहा है, आप अपने आप लगा लेना अपने हाथ से, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अंदर आएगी, ठीक है। अब स्क्रीन के नीचे बन नहीं पा रहा है ये, वरना मैं आपको दिखा था, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के अंदर जाएगी, यानी इनवर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड के लिए ये डायरेक्शन लगती है ना, इनवर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने डायरेक्शन निकाली इनवर्ड, मैग्नीट्यूड निकाली 0.6 टेस्ला। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं, तो बी पार्ट, व्हाट विल बी द टोटल टेंशन इन द वायर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड सेम एज बिफोर। तो देखो भाई, हम लोगों ने अब क्या किया है कि करंट की डायरेक्शन बदल दी और मैग्नेटिक फील्ड की सेम ही डायरेक्शन है, तो करंट की डायरेक्शन बदलेंगे, फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी, पहले ऊपर थी अब नीचे हो जाएगी। अब पहले तो बिल्कुल कोई भी फोर्स नहीं लग रही थी, क्योंकि ऊपर नीचे वाली कैंसिल आउट हो गई थी, और अब दो दो फोर्स लग रही है नीचे की डायरेक्शन में, एक तो मैग्नेटिक फील्ड वाली फोर्स और एक ये एमजी वाली फोर्स। अब हम तो हमारी टोटल टेंशन कितनी होगी, जितनी नीचे फोर्स लगेगी उतना ही खिंचाव होगा, तो एम जी प्लस के आई बी एल, और हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो एम जी है वो और आई बी एल है वो बराबर है, ऊपर ही हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड में, तो एम जी प्लस के एम जी, 2 mg, ठीक है, 2 × मास है हमारा 0.06 किलोग्राम, इंटू 9.8, इसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 1.176 न्यूटन, ठीक है, बस यही हो गया आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 22। द वायर्स विच कनेक्टेड द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू इट्स स्टेशनरी सॉरी स्टार्टिंग मोटर कैरी अ करेंट ऑफ 300 एम्पियर, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर्स इफ दे आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट, इज द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि एक मोटर है, ठीक है, और उस मोटर को उसकी बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं हमारे वायर। तो देखो जाहिर सी बात है कि अगर किसी मोटर को कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी से, तो एक वायर करंट पहुंचाएगा वहां तक, बैटरी से लेके वहां तक, और एक उस वहां से लेके आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में तो नहीं हो सकते, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी दोनों वायर्स में करंट। तो ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि रिपल्सिव हो गया अट्रैक्टिव, तो वो तो यहीं पे सॉल्व हो गया कि रिपल्सिव होगी, क्योंकि जब दोनों डायरेक्शन सेम होती हैं तो दोनों करंट की डायरेक्शन सेम होती है तब अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, और जब जब डिफरेंट होती है तो रिपल्सिव फोर्स लगती है, अगर हम कोई पैरेलल कंडक्टर्स ले रहे हैं तो। अब हमें दे रखा है कि उसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी होगी, तो हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं, अगर हमें दो कंडक्टर दे रखे हैं स्ट्रेट कंडक्टर, तो उनके बीच पैरेलल, तो उनके बीच में हमें फोर्स निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 π r, ठीक है, तो म्यू नॉट की वैल्यू भी पता है हमें, 4 π × 10⁻¹⁷, I1 और I2 दोनों की वैल्यू सेम है 300 एम्पियर, 300 × 300, 2 π r हमें दे रखा है 1.5 × 10⁻², तो हमारी फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगी इसे सॉल्व करके 1.2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो हमने ये भी निकाली फोर्स पर यूनिट लेंथ, और ये भी बता दिया कि अट्रैक्टिव होंगे कि रिपल्सिव होंगे, वो होंगे रिपल्सिव। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 23। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला एग्जिस्ट इन अ सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इट्स डायरेक्शन बीइंग पैरेलल टू द एक्सिस अलोंग ईस्ट टू वेस्ट, द वायर कैरिंग करंट ऑफ 7.0 एम्पियर इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन पासेस थ्रू द रीजन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर इफ द वायर इंटरसेक्ट्स द एक्सिस। तो पहला पार्ट करते हैं कि अगर वायर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस को, हमें एक सिलेंड्रिकल वो रीजन गिवन है, सिलेंडर है ये और इसकी एक्सिस है ये, ठीक है, ये एक्सिस है इसकी, जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें पास हो रही है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में हो रही है, ये ऐसे,
हमने एक ये मतलब ये मैंने एक सरफेस बनाई है ऐसे समझाने के लिए, इस ऐसे डायरेक्शन में है, ऐसे नहीं है ये, ऐसे है ये, ठीक है। तो इसके अंदर एक वायर है जो साउथ साउथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वायर है, हमें फोर्स इस पर कितनी होगी ये बताना है, फोर्स कितनी होगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। अब देखो डायरेक्शन तो हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से पता लगा ही लेंगे, इस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड और कहते हैं करंट है हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि प्लेन पेपर के अंदर। ये नॉर्थ जो है ना, ये प्लेन पेपर के ऊपर आपको लग रहा है कि ऐसे है नॉर्थ, वो ऐसे है एक्चुअली में, पेपर के अंदर है नॉर्थ, ठीक है। तो हमारा जो डायरेक्शन आ जाएगी फोर्स की, वो आ जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड का हमें पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स का IBL sin थीटा। देखो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, पता है सारी डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो जब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है करंट हमारी, और लेंथ जो है वायर की वो हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो sin 90 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो IBL आ जाएगा। I हमें दे रखी है 7 एम्पियर, और B हमें दे रखी है 1.5, ठीक है। अब हमें लेंथ लेंथ देखो, ये जो लेंथ है ये किसकी है, ये 2R के बराबर है, ये इतनी रेडियस और ये इतनी रेडियस मिला के इस वायर की लेंथ बन रही है पूरी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 और R की वैल्यू 0.1। जब हमारा आंसर आएगा 2.1 न्यूटन, ठीक है। ये आ गया पहले केस में। अब हम आते हैं कि अगर हमारा दूसरा केस लें हम, द वायर इज टर्न टू नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। मान लो कि हमने जो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि ये नॉर्थ है तो नॉर्थ ईस्ट कहीं यहाँ पर होगा और नॉर्थ वेस्ट कहीं यहाँ पर होगा। मान लो यहाँ नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ नॉर्थ वेस्ट है, ये हमारा यहाँ से यहाँ जाएगा वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो 90 डिग्री नहीं बनाएगा, अब वो 90 डिग्री नहीं बनाएगा, कोई थीटा बनाएगा। मान लो हमें नहीं पता कितना थीटा बनाएगा, वो ये थीटा बना रहा है, ठीक है। हमने IBL ही लगाएंगे भाई, फोर्स IBL sin थीटा, ठीक है। हम यहाँ पे थीटा 90 नहीं ले सकते, हमें पता नहीं है थीटा कितना है। अब हम लेंथ निकालें, लेंथ हम निकाल लेते हैं लेंथ, ये लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, हम अगर यहाँ पे ये ऐसे ले लें और साइन थीटा लें, तो साइन थीटा इक्वल्स टू R/L हो जाएगा यहाँ पे, ये और ये, ठीक है। ये यहाँ से 90 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ठीक है। R/L हो गया हमारा साइन थीटा, तो यहाँ से हम L निकाल सकते हैं R/sin थीटा, हाँ एल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर टू R/sin थीटा इनटू साइन थीटा। एक्चुअली में यहाँ पे आर नहीं होगा, 2R ही होगा, नियम सही है, ये R/sin थीटा ही होगा, लेकिन ये जो एल है ना ये आधी है, क्योंकि हमने यहाँ से तो लिया है ट्रायंगल, ठीक है, सिर्फ इतना ही तो वायर आया, ये आधा वायर तो रह गया है ना। तो जो ये एल डैश मान लो इसको, तो आधी लेंथ हमारी R/sin थीटा है, तो पूरी कितनी होगी, अगर हम एल निकालें तो कितना आएगा, 2R/sin थीटा, ठीक है। अब हम इसे एल की जगह रखेंगे 2R/sin थीटा, तो sin थीटा कट जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू IB2R, यानी कि वही सेम ही आ जाएगा जो ऊपर हमने निकाला था ना, IB2R वही 2.1 न्यूटन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड
थर्ड पार्ट में हमें है दे रखा है कि द वायर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज लोअर्ड फ्रॉम द एक्सिस बाय 6 सेंटीमीटर। हमें दे रखा है कि जो यहाँ पे ये वायर है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, हमने इसे टिल्ट कर दिया है, इसे ऐसे करके नीचे कर दिया है और 6 सेंटीमीटर नीचे कर दिया है, ठीक है, यानी 0.06 मीटर नीचे कर दिया है। अब हम एक काम करते हैं कि इसे है ना यहाँ से देखते हैं, इस तरफ से हम देख रहे हैं तो आपको ये सर्कल दिखेगा, ये वाला ये दिखेगा, ये जो वायर है नीचे हो गया है, अब इधर आ गया है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और जो इसकी एक्सिस है ये इससे 0.06 मीटर नीचे आ गया है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना ये है 0.06 मीटर, और ये रेडियस है 0.1 मीटर। अब हमें लेंथ निकालनी है वायर की, क्योंकि लेंथ निकालेंगे तभी फोर्स निकाल पाएंगे, तो पहले इतनी लेंथ निकाल लें, इतनी लेंथ निकाल लें पहले। देखो ये परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस वो पाइथागोरस लगा लेंगे, तो 0.1 का होल स्क्वायर स्क्वल शू 0.06 का स्क्वायर प्लस के ये ले लीजिए एल डैश का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करके ये तो सॉल्व हो ही जाएगा ना, एल डैश का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 0.08 मीटर आ गई हमारी एल डैश। अब हमें ये तो एल डैश आ गई, अब हम ये पूरी निकाल लेंगे 2L करके, ठीक है, इंटू 2 कर देंगे तो हमारी पूरी आ जाएगी, वो आ जाएगी 0.16 मीटर। अब बस वही लगाना फोर्स का फॉर्मूला, IBL इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या दे रखा है हमें 7, B हमें दे रखी है 0.15, लेंथ हमें दे रही है 0.16, इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 1.68 न्यूटन आंसर। क्वेश्चन 24 स्टार्ट करते हैं। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3000 गॉस इज स्टेब्लिश अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पीयर, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द लूप इन डिफरेंट केसेस, विच केस करस्पॉन्ड्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो हमें यहाँ पे जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, एक लूप दे रखा है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, ऐसे इधर भी दे रखा है इधर भी दे रखा है। हमें यहाँ पे उसमें वो निकालनी है कि कितनी टॉर्क लग रही होगी और टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रही होगी। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि मोमेंट, मोमेंट निकालते हैं, ठीक है, डायपोल मोमेंट, और वो होता है हमारा एम स्क्वल शू IA। यहां से वैल्यू पुट करेंगे आई की और ए की, सीधी बात है हमारा आ जाएगा 0.06, ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और हमारे हमें टॉर्क का पता ही है, टॉर्क कहाँ होती है हमारी, टॉर्क होती है हमारी BIA, NIA भी होती है, N तो यहाँ पे 1 ही है, और तो IA भी रह गई, आई हमने निकाल लिया, अब B से इंटू कर देंगे तो 0.06 × 3000 × 10⁻⁴, ये हमारी आ जाएगी 1.8 × 10⁻²⁰ टेस्ला। ये तो हो गई मैग्नीट्यूड की बात, ये तो बहुत आसान था। अब हमें निकालना है किसी डायरेक्शन में, बताऊं देखो यहाँ पे हमारा जेड और वाई, वाई जेड प्लेन में है ये लूप हमारा, तो इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर हमारा मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा यानी हमारा एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस, एक्सिस पर हमारा मूवमेंट होगा। अब हमारा मूवमेंट जो है वो एक्स एक्सिस पर है, और टॉर्क के फॉर्मूला क्या होता है, NIAV यानी मूवमेंट इनटू, मूवमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, हमारा टॉर्क एक्स एक्सिस पर है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पर है, इन दोनों का जब हम इनटू करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा इसके परपेंडिकुलर आएगा टॉर्क, समझ रहे हो, टॉर्क होती है हमारी एम इंटू बी, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, एम हमारी है एक्स एक्सिस यानी आई कैप ले लो इसे, बी हमारी है जेड यानी कि के कैप ले लो इसे, तो जब हम आई कैप इंटू के कैप करते हैं, आई कैप क्रॉस वेक्टर के कैप, तो हाँ इसका परपेंडिकुलर एक्सिस आ जाती है यानी कि जे कैप आंसर आ जाएगा, जो डायरेक्शन होगी इसकी वो होगी वाई एक्सिस की, ठीक है,
ये याद रखना है कि हमें डायरेक्शन कैसे निकालनी है। मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत आसान है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, तो यहाँ पे क्या चीज होगी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम आएगा और यहाँ पे ये हमारा जो है एक्स और जेड प्लेन में है, तो इसके परपेंडिकुलर इसका वो आएगा मोमेंट, मोमेंट आएगा इसका माइनस वाई एक्सिस पर, यानी कि जे कैप पर। अब जे कैप और जेड कैप को हम जब इंटू करेंगे तो उसके परपेंडिकुलर एक्स कैप है, ठीक है, माइनस एक्स कैप। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आ जाएगी हमारी माइनस वाई डायरेक्शन में, माइनस वाई एक्सिस पर। यहां पे जब हम लगाएंगे तो देखो, ये देखो यहाँ पे प्लेन कहाँ है, एक्स वाई में, इसके परपेंडिकुलर हमारा मूवमेंट आएगा, यानी कि मूवमेंट हमारा कहाँ आएगा, जेड एक्सिस पर। जेड एक्सिस पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी है, मूवमेंट भी है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा बनना है, जीरो का। जब एंगल जीरो बनेगा तो हमारी इसका कुछ वो तो होगा नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना, इसमें लिख रहा है ना एक करस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये करेगा हमारा करस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल हमारा जीरो है। ठीक है, आ गई समझ में। अब हम करते हैं क्वेश्चन 25, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 25। अ सर्कुलर कॉयल ऑफ 20 टर्न्स रेडियस 10 सेंटीमीटर प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉयल। इफ द करंट इन द कॉयल इज 5 एम्पीयर, व्हाट इज द टोटल टॉर्क ऑन द कॉयल। तो हम लोग टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारा मोमेंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड साइन, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो थीटा हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो देखो मैग्नेट हमारा मोमेंट है वो इसी साइड है, एरिया वेक्टर इसी साइड होता है, मोमेंट इसी साइड होगा इसलिए, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इसी साइड है, तो साइन जीरो थीटा जीरो है, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, टॉर्क तो जीरो आ गई। अब हमें सेकेंड टोटल फोर्स कितनी होगी, तो देखो हमें पता है कि जब एक क्लोज्ड लूप दे रखा होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर जो हमारी फोर्स होती है वो जीरो होती है, अगर क्लोज्ड लूप होता है तो, ठीक है, क्योंकि उसके बाद अब हमारा जो है कि एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन ऑन द कॉयल, तो हमें एक हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रही है वो निकालनी है। तो हम देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स कितनी होती है क्यू वी बी, ठीक है, चार्ज है हमारा इलेक्ट्रॉन ई वी बी, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी होगी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आई इज कल्सू एन ई ए वी डी। यहाँ पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख सकते हैं आई ओवर एन ई ए, ये जो ए है ना, ये ए ऐसे लिख लियो, ये जो ए है ये एरिया है क्रॉस सेक्शन का, वी डी ओवर एन ई ओ सॉरी आई ओवर एन ई ए, तो यहाँ पे हम ई इंटू वी डी की जगह लिखेंगे आई ओवर एन ई ए इंटू बी, ई से ई कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा आई इंटू बी ओवर एन इंटू ए। हमारा यहाँ पे आई जो है करंट हमें दे रखा है, करंट हमें दे रखा है 5 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला, एन जो है हमारी वो है हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कितनी दे रखी है हमें, हिंट में दे रखी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10^29, एरिया हमें दे रखा है 10^-5 m², तो इसे सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन 26। अ सॉलिनॉइड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है, रेडियस 4 सेंटीमीटर, हैज 3 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 300 टर्न्स ईच। अ 2.0 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ मास 2.5 ग्राम लाइज इनसाइड द सॉलिनॉइड नियर इट्स सेंटर नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। बोथ द वायर एंड द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड आर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। द वायर इज कनेक्टेड थ्रू टू लीड्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड टू एन एक्सटर्नल बैटरी विच सप्लाइज अ करंट ऑफ 6 एम्पीयर इन द वायर। व्हाट वैल्यू ऑफ करंट इन द वाइंडिंग्स ऑफ द सोलेनॉइड कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर। हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, नोट कर लिए जो भी वैल्यूज हमें गिवन है, तो हमें यहाँ पे करंट निकालना है जो कि उसके वायर के वेट को सपोर्ट कर सके। हम ने मान लिया कि लेट द करंट इज आई,
ठीक है, हमने करंट आई मान लिया, तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे उसकी, म्यू नॉट एन आई, एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो हमने यहाँ पे निकाली है 1500, और म्यू नॉट होती है 4.8×10⁻¹। 1500 इलेक्ट्रिक करंट हमारा आई, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई हमारी 6π×10⁻⁴i। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारी अगर हमें वेट सपोर्ट करना है, इतनी फोर्स हमारी होनी चाहिए कि वो वेट सपोर्ट करे, तो यानी कि जो हमारी कंडक्टर पे या फिर उस वायर पे फोर्स लग रही है वो होगी IBL, वो हमारी MG के बराबर होनी चाहिए, तो ही तो सपोर्ट कर पाएगी वो, MG वेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग आई की वैल्यू रख देंगे, आई की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, आई की वैल्यू हमें 6 एम्पियर गिवन है शायद, है ना, 6 एम्पियर करंट ऑफ 6 एम्पियर, 6 एम्पियर रख दी। बी की वैल्यू अभी अभी हमने लगा ली थी 6π×10⁻¹। लेंथ हमें गिवन है 0.6×m, m हमें गिवन है, सॉरी इक्वल टू m हमें गिवन है, मास कितना गिवन है हमें, हम 2.5 ग्राम, तो 2.5×10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा, और जी हमें 9.8। यहाँ से हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे आई भी है ना, आई की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, तो इसे जब इधर ले जाएंगे और इसको भी, तो आई की वैल्यू हमारी आ जाएगी 108.3 एम्पियर, आंसर आ गया आपका। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 27। अ गैल्वेनोमीटर कॉयल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 एम्पियर एंड मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर, हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 18 वोल्ट। तो देखो हमें पता है कि जब हम कोई वोल्ट मीटर बनाते हैं तो वोल्ट मीटर में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं सीरीज, गैल्वेनोमीटर में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं सीरीज में, या सीरीज कॉम्बिनेशन में कि हम गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो वो पूरा वोल्ट मीटर बन जाता है। तो हम यहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस लगाएंगे सीरीज में, लेकिन हम कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे ये हमें निकालना है। तो देखो वी इक्वल टू आई आर हो गया, पढ़ा हुआ है, ठीक है, वी यहाँ पे 18 है दे रखा है हमें, आई आई जी है ये भी हमें दे रखी है 3 IG ले लो अभी। तो अब हमें यहाँ पे वोल्ट मीटर बनाना है, तो ये तो हो गया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। हाँ, इसके पैरेलल में हमने एक और रेजिस्टेंस लगाया है, यानी हम इसमें ही एक और रेजिस्टेंस प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 18 IG RG + IG R। ठीक है, अब हमें हमें R की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो 18 IG RG/IG शू R। ठीक है, अब हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 18 IG - RG, क्योंकि आई जी से आई जी कट जाएगा, तो ठीक है, आर आर इक्वल टू 18/IG, यानी कि 18/3×10⁻³ -RG यानी 12। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5988 ओम, यही है आंसर, इतने ही ओम का रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर बनाने के लिए इसको। तो स्टार्ट करते हैं 28। अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम एंड द मीटर शोज अ डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर, हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन अमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर। देखो भाई
हमारा हमें हमें पता है कि हमें अमीटर बनाने के लिए एक रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में फिट करना पड़ता है। अब देखो हम इस हमने ही फिट कर दिया। अब हम यहाँ पे लूप चलाएं तो देखो यहाँ से आई करंट जा रही है, यहाँ पे आई आई माइनस आई जी करंट, और यहाँ पे आई जी, ठीक है। लूप चलाएंगे तो लूप इस डायरेक्शन में है, करंट भी इस डायरेक्शन में है, तो हमारा आ जाएगा आई जी आर जी। अब यहाँ पे लूप उल्टी डायरेक्शन में, करल उल्टी डायरेक्शन में, तो माइनस के आर और आई माइनस आई जी इजिकल्स टू जीरो, ठीक है। तो आई जी आर जी माइनस के आई आर प्लस के आई जी आर, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस निकालना है, कितने ओम का रेजिस्टेंस हमें यहाँ पैरेलल में फिट करना पड़ेगा। तो देखो हम रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से, और रेजिस्टेंस हमें कौन सा निकालना है, ये आर वाला। तो देखो भाई साहब, हम एक काम कर सकते हैं क्या, हम आई जी आर जी को इक्वल लिख सकते हैं आई आर माइनस आई जी आर के, इधर ले जाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ से हमने आर कॉमन ले लिया, आई माइनस आई जी और आई जी आर जी, तो आर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, आई जी इंटू आर जी ओवर आई माइनस आई जी के, ठीक है। यहाँ से हमारा आई जी हमें कितना दे रखा है, करंट 4 मिली एम्पियर, 4 × 10⁻³। आर जी हमें कितना दे रखा है, 15 ओम, और ये करंट हमें कितनी दे रखी है, आई 6 एम्पियर, और आई जी फिर वही 4 × 10⁻³। इसे सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 0.010 ओम, ठीक है, यही आंसर है आपका।